हेलो, हेलो, क्या कर रहे हो? एक बात बोलूं? बोलो। तुम क्या कर रही हो पहले ये बताओ। मैं कुछ नहीं, बस आपसे बातें कर रही हूँ। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? मैं चलो छोड़ो, कुछ नहीं। बताओ 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 बताओ। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं। नहीं बताओ बताओ। अरे कुछ नहीं, छोड़ो नहीं ना। यार, आप बताओ, आप छोड़ो कैसे? आप तो बताओ तुम कि क्या कर रहे हो। पूछो, अरे नहीं, दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, नहीं पूछ रहा, छोड़ो। कैसा नहीं नहीं अब रहने दो, नहीं पूछ रहा। काम का है कि आलतू फालतू है? नहीं वैसे काम का भी हो सकता, काम का ही है शायद। नहीं, हो सकता है ऐसे काम का लग नहीं रहा है वैसे। नहीं तो काम का पूछो तो पूछो, क्या पूछ रहे नहीं, हो? रहने दो नहीं रहने नहीं दो। पूछो अब आप। तो तुमने फालतू नहीं बोल दिया। पूछो 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 नहीं तुमने फालतू बोल दिया, अब मैं ना आप। पूछूंगा ही नहीं। अब यार, तुम लड़की हो क्या? इतना भाव क्यों खा रहे हो? मतलब लड़कियों को ही हक है भाव खाने का? हाँ, लड़कियों को ही हक होता है। तुम लड़के क्यों खाते हो फालतू में फुटेज? क्यों, हम क्या मतलब लड़के तुम, आए कर आए गए रहे हैं क्या? हाँ तुम आ रहे गए हो। अरे अच्छा हमारी इज्जत ही नहीं है? नहीं, आपकी इज्जत है, पर लड़कियों जैसी हरकतें करने की आपकी इसमें कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आप लड़कियां मतलब फुटेज खाती हैं। तुम मानती हो कि लड़कियां भाव खाती हैं ज्यादा? हाँ, मैं मानती हूँ कि लड़कियां चलो फुटेज यार, खाती हैं, फाइनली वो काम लड़कों का नहीं है ना। तो आप लड़कियों की कैटेगरी में क्यों आना चाहते हो, ये बता दो। फाइनली किसी लड़की ने अपने मुंह से कबूल किया कि हाँ लड़कियां भाव खाती हैं। भाव नहीं खाती है, मतलब वो नहीं 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 चाहती एक हैं कि बार और बोलना। उनके, नहीं नहीं एक बार और बोलो, लड़कियां भाव खाती हैं ना? एक एक अंदर मिनट, सेटिस्फेक्शन, एक सुकून टाइप का आ रहा है ना, वो मैं फील करना चाहता हूँ उसको दोबारा। आप मेरी बातों को गलत ले जा रहे हो। नहीं नहीं भाव मैं सही ले इसलिए जा रहा खाती हूँ। हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड या फिर उसके पापा या फिर उसकी मम्मी, सब लोगों ने मनाए, इसलिए फुटेज खाती हैं वो थोड़ी। नहीं और भाव लड़कों को खाती हैं। पता है कि उन्हें कोई मनाने वाला नहीं है, कर रहा है तो करे, नहीं कर रहा तो नहीं करे, वॉट तो यू मीन उन, एक मिनट, ओ हेलो, वॉट यू मीन लड़कों में मनाने वाला नहीं है? लड़कों को ही मनाने वाली उनकी मम्मी है, कभी कभी पापा भी आ जाते हैं मनाने, ठीक है ना? ऐसी बात नहीं है, रहने दो उनकी रहने दो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, होती हैं वो मनाती हैं। हाँ एक सीरियसली एक फ्रेंड्स मनाते गर्लफ्रेंड, एक हैं? गर्लफ्रेंड ही नहीं मनाती बस। तो मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि लड़कों को मनाने वाला कोई नहीं होता। मतलब लड़कों को मनाने वाली उनकी गर्लफ्रेंड होती है ना। गर्लफ्रेंड कितना मनाती है अपने बॉयफ्रेंड्स को? हाँ कब मनाती हो घूमने तुम? ले जा घूमने जाना होता है। एक मिनट, एक मिनट घूमने कब जाना, मनाती हो तुम? बता रही हूँ ना, घूमने जाना होता तो मैं तुम्हें इतनी मिन्नतें करती हूँ। अगर तुमसे कुछ काम करवाना होता तो मैं तुम्हें नहीं इतनी मिन्नतें करती हूँ। बात करने के लिए मैं तुमसे इतनी मिन्नतें करती हूँ? अपना उल्लू सीधा करती हो, जब तुम्हारा काम पड़ता है ना तब तुम मुझे मनाती हो। वही ऐसा मनाना नहीं कुछ कहते नहीं हैं, है, उसको बाटली में उतारना कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमेशा मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हो यार? गलत चीज़ के बारे में सही कैसे सोचूं मैं यार? तो यार, इतना गलत भी तो मत सोचा करो कभी मेरे तो बारे तुम में। सही भी तो नहीं हो जो मैं सही सोचूं? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यही कि अगर तुम मुझे मनाती भी हो तो वो मनाती नहीं हो, बाटली में उतारती हो कि शॉपिंग करने जाना है तो उमंग कुल को मिला मनाओ, के आपको घूमने मेरे जाना है बारे में उमंग को अच्छा मनाओ। कुछ भी नहीं सोचना है, नहीं हमेशा अच्छा गलत ही अच्छा है सोचना ना, है। अच्छा है ना, क्या अच्छा मैं अच्छा है? सोचता हूँ ना कि हाँ तुम्हारी जो कन्विंसिंग पावर है ना इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाले की जेब में पैसे ही नहीं होंगे ना, फिर भी वो तुम्हें शॉपिंग में घुमाने ले जाएगा। बल्ले उसको उधार मांगना पड़े, दोस्तों से मांगना पड़े पैसे, कुछ भी करना पड़े, चोरी करनी पड़े, लेकिन तुम्हारी कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि कंगाल को भी तुम शॉपिंग पर ले जाओगी। ये टैलेंट ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है। हाँ मैं कहता रहा हूँ ये बहुत हिडन टैलेंट है तुम्हारा। ये तुम्हारा नहीं है टैलेंट, तुम्हारे अंदर भी बहुत कड़ा टैलेंट है। मतलब तुम्हें कोई बात मनवानी होती है ना, तो तुम वैसे तो कभी, तुम इमोशनल होते नहीं, और जब तुम्हें कोई बात मनवानी होती है या फिर तुम्हारा अपना कुछ काम होता है, फिर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए होते हैं, तो तुम ऐसा इमोशनल अत्याचार तुमसे करते हो पैसे ना। चाहिए होते हैं हाँ, तुम्हें सीरियसली? मुझसे पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि सीरियसली मैं अपने जो मनी है ना वो सेव करके रखती हूँ। आज तक ऐसा कौन सा दिन याद नहीं आ रहा है तुमने मुझे 1 घंटे से ज़्यादा पैसे उधार दिए हो? जो भी है दी थी तो होना हाँ चाहे, एक घंटे दोगी अभी पैसे मैं लेके पहुँचूंगा ही नहीं, 5 मिनट में 50 फोन 60 मिस कॉल। तो यार, जो भी है देती तो ना, अरे सिंपल ही बात है, सुनो मेरी बात, बोलो तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हें पैसे उधार देती हूँ बस। हाँ तो मैं नहीं लेता हूँ उधार। तुम लेती हो उधार और तुम 3 दिन 4 4 दिन तक लौटते नहीं हो। हाँ, ये बात सच है कि मैं 10 15 कॉल कर देती हूँ, 60 70 मिस कॉल दे रहती हूँ, पर फिर भी तुम नहीं उठाते हो मेरा कॉल, ना ही तुम रिसीव करते हो, और मिस कॉल देखी रहती है फिर भी नहीं करते हो तुम मुझे कॉल बैक, और पैसे भी 5 6 दिन के बाद ही देते हो तुम मुझे, याद करो। अच्छा वैसे मैं कुछ पूछने वाला था, तुमने कहाँ दुनिया भर की बातें उलझा दी। बताओ क्या पूछने वाले थे? छोड़ो अब क्या पूछो, इतनी मुजोरी बिना पूछे ही हो गई। पूछने बात तो बता नहीं, क्या नहीं वॉर नहीं छिड़ पूछो जाएगा पूछो इधर? नहीं पूछो। नहीं 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 मुझे नहीं जंग का यार, आप वॉर नहीं पूछो छेड़ना, ना, मुझे जंग का वॉर नहीं पूछो छेड़ना। ना। बिना पूछे इतनी आर्गुमेंट, इतनी मुजोरी, अगर पूछ लिया फिर तो भाई अरे यार, आप साहब, बताओ ना कि क्या ना बात ना है। ना ना भैया मेरे अंदर बहुत डर बैठ गया, मैं नहीं पूछ पाऊंगा। अरे पूछो ना। तुम पहले से इतनी आर्गुमेंट नहीं करती नहीं हो, अब इतना वॉर पक्का मैं करती हो। आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी, पक्का सीरियसली सच्ची सच्ची जवाब दूंगी, और प्यार से जवाब दूंगी, बताओ आप। प्यार से हाँ, प्यार से। तुमने आज तक कभी प्यार से कोई जवाब दिया जो अब दोगी? तुम हमेशा मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हो यार? अभी देख लो मैं तो कुछ पूछा भी नहीं था, कितनी बड़ी आर्गुमेंट लेके बैठ गए। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगी ना। तुम लड़कियां ना, तुम्हें पता है क्या है, तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, टीवी सीरियल पे भी तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, जिंदगी में तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, इसीलिए बॉयफ्रेंड को भी तुम सोचती हो कि एंटरटेनमेंट टाइप का बंदा है। अब बस इससे लड़ो, इससे लड़ो, एंटरटेनमेंट करना है हमें। अब अब तुम उसे क्या पूछोगे नहीं पूछोगे जो बात पूछनी है? जो फैक्ट है वो तो सुन लो पहले। यार, अभी फैक्ट ही सुनाते रहोगे कि बात भी बताओगे? क्योंकि मुझे भी तुमसे एक बात पूछनी है।
तुम्हें क्या पूछनी, पहले तुम पूछ लो। नहीं फिर पहले तुम तुम्हारी बात पूछो। बहुत लंबी आर्गुमेंट वाली नहीं होगी नहीं नहीं ना। आर्गुमेंट वाली मेरी बहुत छोटी सी बात है, पहले तुम पूछो। नहीं, छोटी बात है तो नहीं पूछो। तो नहीं यार, तुम्हें पूछनी तो पूछो, वरना मैं तुम्हें पहले पूछे। आप, पहले नहीं आप। पहले आप। लेडीज फर्स्ट, हाँ लेडीज ठीक है, पर फर्स्ट। मैं नहीं पूछूंगी, तो तुम आप लेडीज पूछो नहीं पहले। हो? मैं गर्ल हूँ। लेडीज में तो आता है, नहीं तो मैं गर्ल हूँ अभी। गर्ल और लेडीज में डिफरेंस? नहीं, गर्ल मतलब लड़की और लेडीज मतलब औरत। तो तुम औरत नहीं हो? नहीं मैं लड़की हूँ, अच्छा, लड़की भी तो औरत होती है। पर अभी लड़की क्योंकि हूँ ना। लड़की भी कभी औरत थी, नहीं पागल औरत हो भी कभी क्या? लड़की थी, सही है। पागल हो, नाटक का नाम है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुम पहले मुझे बताओ कि क्या बात पूछनी है उसमें भी तुम्हें। तुम एंटरटेनमेंट ढूंढती थी है? अरे यार तुम बात पूछ रहे हो, नहीं पूछ रहे हो। अरे मैं बात ये पूछ रहा हूँ कि तुम लड़कियाँ इतनी आर्गुमेंट क्यों करती हो? ये बात मैं पूछने वाला था और तुमने पहली आर्गुमेंट इतनी कर ली कि सीरियसली अब मैं क्या ही तुम ये पूछता। पूछने वाले थे या यार हम लड़कियों से, तुम लड़कों को बस बस दिक्कत ही चिल्लाओ क्या? मत, मेरे को नहीं डर लग रहा है। तुम्हें मेरे को दिक्कत ही, बहुत, मेरे कानों में अभी भी दिखा के आया हूँ। डॉक्टर बोल रहा है कि अगर थोड़ा भी तुमने लाउडली साउंड सुना तो तुम जिंदगी भर कुछ सुन ही नहीं मैं एक पाओगे। बात बताऊँ ना, तुम फोन स्पीकर पे रखो और साइड में रखो, फिर मैं लाउड लाउड बोलती हूँ तो तुम्हें धीरे धीरे सुनाई मतलब तुम देगा। लाउडली बोलोगी, तुम हाँ धीरे नहीं बोल सकती? ना, कैसी सी हो यार तुम। जैसी सी भी हो वैसी उस हूँ दिन यार। तुम्हारे साथ भी मैं वहां पे हॉस्पिटल गया था, डॉक्टर कह रहा था अरे कौन चीख रहा है, कौन चीख रहा है, पहले इसी का ऑपरेशन करो। तो यार कोई सुन ही नहीं रहा था वहां पे, पता है तुम्हें कितना चोट लगी थी? पर तुम्हारे बारे में कोई सुन ही नहीं रहा था। मैंने बेबी कितने लोगों से बोला बेबी वो था, एक बैंडेड वाली चोट थी। जो भी हो बैंडेड वाली हो चाहे कैसे भी हो, पर कोई सुन तो नहीं रहा था ना। हाँ कौन सुनेगा, वहां पे इतने मरीज भरे पड़े हैं और तुम एक बैंडेज वाली चोट लेके पहुंच गई वहां चोट पे। तो चोट होती ना, चाहे बैंडेड की हो चाहे कैसी भी हो। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, तुमसे कौन जीत पाया? मैंने वही कही ना, लड़कियाँ इतनी आर्गुमेंट क्यों करती हैं, उसका जवाब दे दो मुझे। क्योंकि हाँ लड़कियों की क्यों, पैदाइश ही होती है, खून में होता है वो। आर्गुमेंट करना हाँ सीरियसली? सीरियसली। मुझे तो नहीं लगता इससे सब लड़की एग्री करेंगी। नहीं यार बहुत सी लड़कियां हैं आर्गुमेंट नहीं करती हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं कि बॉयफ्रेंड आर्गुमेंट करते हैं पर चुप करके वो सुन लेती हैं। पर मैं उनमें से, मैं चुप करके सुनने वाली में से नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है ना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, ना आज सुनूंगी, ना कल सुनूंगी, ना परसों, ना शादी के बाद, ना शादी से पहले। मैं तुम्हारी कोई बात में दबूंगी नहीं। तुम वैसे ही मेरी क्या, तुम किसी की बात में ही नहीं दबोगी? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुम किसी की बात में नहीं दबती? ठीक है, तुम कुल मिला के ये कहना चाहते हो ना कि मैं मुंह जोरू, मैं आर्गुमेंट करती हूँ। हाँ ठीक है मैंने मान लिया। यार फाइनली तुमने मान लिया, हाँ मैंने मान लिया, सीरियसली? क्योंकि तुम अपनी गलती मानोगे नहीं, मुझे गलती ना होते हुए भी अपनी गलती माननी अच्छा पड़ेगी। अच्छा इस वे में माना है, वही मैं समझू कि तुमने एकदम सही थे कैसे मान लिया, तो ये वे था मानने का। जो भी है मान तो लिया ना, हाँ मुझे अब पता चला ना, मतलब तुम कैसे मानी। फिर अब क्या किया जाए? मान तो लिया ना मैंने। कुछ नहीं, अब क्या ही कर सकते एक हैं, बात पूछूं? एक नहीं चार पूछ लो। नहीं, जब तुम्हारा दिमाग खराब होता है, फिर जब तुम्हें कोई चिल्ला देता है तभी तुम मुझे कॉल करते हो लड़ने के लिए, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं तो है। फिर फोन उठाते सी लड़ने क्यों लग जाते हो? सीरियसली मैं लड़ने बैठा था? सीरियसली आप ही लड़ने बैठे थे। आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन किसका था? मेरा। तो तो आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन था, तुम भी तो आर्गुमेंट करने बैठ गई ना। क्या जब तुम बताया कि मैं आर्ग्यूमेंट करती हूँ हर बात पर, तो तुम ऐसी बात करते क्यों जो मुझे आर्ग्यूमेंट करनी पड़े? अरे ठीक है मैया, तुम जीती मैं आ रहा। वो तो मैं जीती सही। अच्छा ये बताओ, पूछो। हाँ आर्गुमेंट करने के अलावा और भी कुछ ज़िंदगी में आता है? बहुत कुछ आता है, बताओ। जैसे कि जैसे कि आप पूछो। खाना बनाना तो तुम्हें आता नहीं है, जली हुई रोटियाँ बनाती हो आई नो, एक्टिवा तुम्हें चलानी नहीं आती, एक्टिवा ठोक देती हो, चलते फिरते लोगों में ठोक देती हो, बेचारा कोई साइड से चुपचाप खड़ा होगा उसमें भी जाके ठोक दोगे और बोलोगी अरे संभल के नहीं खड़े हो सकते, बेचारा चुपचाप खड़ा है साइड में यार, उसमें सही जाके बात है, एक्टिवा मुझे ठोक कुछ रही हो। कहाँ आता है, मुझे कुछ भी नहीं नहीं आता मुझे है। नहीं आती है। तुम सबसे बढ़िया, तुम्हारा करियर बताऊँ कहाँ पे बन सकता है, वकील बन जाओ तुम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे वकील के लायक तो समझा। थैंक यू, लेकिन उसमें भी फिर एक कंडीशन है ना। इसमें भी एक हाँ मतलब उसमें भी मेरे लिए कुछ ही नहीं, सारी कंडीशन है। उसमें भी एक्चुअल में कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि तुम कोर्ट के अंदर मतलब एक हद तक चिल्ला सकते हो, बट तुम इतना चिल्लाओगे कि तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, तो वहाँ पे ही तुम्हें गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए। चुप होना, सामने वाला मत, वकील बेचारा एक लफ्ज बोलेगा तुम चिल्लाती रहोगी कुल मिला के आप ये या कहना चाहते हो कि मैं वकील बनने के भी लायक नहीं हूँ? या। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी इंसल्ट करी। इंसल्ट काम है तो तारीफ करिए। वकील भी नहीं बन सकती हूँ और ये इंसल्ट नहीं होती है कि तारीफ होती है ये? नहीं मेरे ख्याल से तुम उच्च लेवल की वकील बनोगे ना, जो कोर्ट में मतलब इतनी लेवल की वकील चाहिए नहीं ना, थैंक यू सो मच, इतने थैंक यू सो काबिल लोग मच। हमें नहीं चाहिए इंडिया में। तो मैं घर पे ठीक हूँ फिर हाँ अपने। तुम घर पे ही रहो, इतने काबिल लोगों की जरूरत ही नहीं है इस इंडिया एक में। मिनट, मैं वकील बनने के लायक नहीं हूँ तो तुम भी कुछ भी बनने के लायक नहीं हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ क्योंकि हाँ तुम्हें मैं ही झेल मुझे सकता पता हूँ। है, तुम सिर्फ एक यही काम कर सकते हो अच्छे से, वो तुम यही बनना चाहते हो, इसके अलावा तुम जिंदगी में कुछ बनना ही नहीं चाहते, तुम क्योंकि सोच ही नहीं सकते ये हो। एक ऐसा काम है जो मेरे अलावा कोई और कर नहीं सकता, तुम्हें झेल नहीं पाएगा ना कोई और, हाँ सही बात है, तुम तो मुझे उसके झेल रहे हो कानों के ना। पर्दे वर्दे सब खराब हो जाएंगे, फट बैठ जाएंगे, सही बात है, तुम मुझे झेल रहे इसलिए हो। ओ मैं माय गॉड, कुर्बानी दे रहा हूँ। मैं कितने लड़कों की मतलब जिंदगी सेव कर रहा हूँ, जो भी तुमसे शादी करेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं सेव कर रहा हूँ जिंदगी लोगों की। थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना थैंक यू सोचा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जिसकी गर्लफ्रेंड बनोगी उसका तो पता नहीं क्या ही होगा।
बनोगी कि मतलब क्या, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। नहीं, मतलब मेरे को छोड़ के बोल रहा हूँ। तुमको छोड़ के और किसकी बनोगी आप? अरे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी नहीं बनती किसी और की बनती तो अभी तक तो पता नहीं कहाँ पे ही होता वो बंदा। ठीक है चलो, फिर आपको फोन लड़ने के लिए फोन करते रहते हो बस हमेशा। हाँ चलो रखो, वैसे ही बहुत बातें हो गई, ठीक है ना। हाँ बहुत सारी बातें हो गई, लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना और बाय सुनो, बाय, टेक केयर, फालतू किसी से लड़ना मत, झगड़ना मत, कोई कुछ बोले सेम तो टू यू। सुनाए बिना भी बात खत्म की जा सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक चलो है, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, टेक बाय। केयर।